जिस मुद्दे के बारे में बताने वाले आज की वीडियो में, किसी भी भाई को फोटो बनाने के लिए आप लोग कहते होंगे तो यार बहुत ज्यादा भाव मारता होगा, यानी मतलब बनाता नहीं होगा, तो आज का वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक आर्टिस्ट भाई देख लेंगे तो आप लोगों को किसी से कहना नहीं पड़ेगा कि यार आर्टिस्ट भाई, यार भाई मेरा भी फोटो बना दो। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लेंगे तो भाई ऑयल पेंट बताए हैं, साथ ही साथ HDR डार्क फेस स्मूथ भी बताए हैं, तो वीडियो को लाइन फॉलो लाइन चलिए मेरे जान बेटा देर के बटे को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो गाइस आज आप लोग को ऑयल पेंट फेस स्मूथ HDR डार्क स्मूथ के बारे में आप लोग को फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिफोर फोटो कितना ज़्यादा ब्लैक है एंड नाइट में फोटो शूट हुआ है, एंड इसको मैं जब एडिट किया तो भाई इतना बवाल का फोटो बन करके तैयार हो गया है, एंड सेम आप लोग का भी बन करके तैयार हो जाएगा। बस आप लोग को एक एक स्टेप फॉलो करना है मेरी जान। तो सबसे पहले ओरिजिनल फोटो को आप लोग को क्या कर लेना होगा, कहाँ पर शेयर करना है, तो सबसे पहले आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। पता है क्यों स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर शेयर रहता है, जो भी पिंपल्स रहता है उसको मैं अलग तरीके से रिमूव करूँ। सो मेरे प्यारे दोस्तों शेयर करना सिंपली यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पॉप POP पॉप वाला ऑप्शन, उस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग के फोटो के ऊपर बहुत ज़्यादा HDR में आ जाएगा, ठीक है ना, HDR में क्वालिटी आ जाएगा। तो उतना करना सिंपली यहाँ से आप लोग डाउन कर लेना होगा, एंड एक बार विश्वास नहीं होता है मेरी जान तो बिफोर आफ्टर आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, बिफोर एंड आफ्टर। इतना करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली टूल्स वाला आइकन पे आ जाना होगा, डिटेल्स पे क्लिक कर देना होगा, एंड इसका स्ट्रक्चर, ठीक है ना जी, स्ट्रक्चर को आप लोगों को क्या करना है प्लस कर देना होगा। देखिए यहाँ पे 100 प्लस कर रहे हैं, तो जो भी हमारे फेस के ऊपर दाग धब्बा शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा शो कर रहा है, तो मैक्सिमम हम लोग रखेंगे 42 प्लस, एंड यहाँ पे शार्पनिंग को कर देंगे हम लोग क्या 100 प्लस। तो हमारे फेस के ऊपर बहुत ही गजब का HDR स्केप आ चुका है मेरे जाने, यानी फुल HD में। जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोग के सामने जूम करके दिखाया बिफोर एंड आफ्टर, देखिए क्वालिटी, अभी से मैं क्वालिटी में फोटो बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। एंड इतना करने के बाद अब आप लोग को क्या करना होगा, इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा टूलविज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जो मैं टूल्स यूज किया सब कुछ शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फटाफट शेयर कर लेते हैं मेरी जान टूलविज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, एंड हम लोग का फोटो आ चुका है टूलविज मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। एंड लेकर के आने के बाद सिंपली यहाँ पे नीचे आप लोग को इफेक्टिव ऑप्शन मिल जाएगा, एंड यहाँ पे सॉफ्ट स्मूथ, ठीक है ना, आप लोग तो बहुत पहले यूज किए होंगे, ठीक है, इसको मैं नया तरीका में बताने वाला हूँ यूज करके कैसे इफेक्ट डालेंगे। तो मैक्सिमम आप लोग को 10वां नंबर अप्लाई कर लेना होगा, जैसे आप लोग 10वां नंबर अप्लाई करेंगे तो आप लोग के फेस के ऊपर आ जाएगा एंड कपड़े के ऊपर आ जाएगा एंड हेयर के ऊपर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा MASK मास्क होगा, उस पर आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, एंड क्लीन पे क्लिक करके सिर्फ आप लोग को कहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपली आप लोग को अप्लाई करना है कपड़े पे, ठीक है, कपड़े पे अप्लाई करने बाद सॉरी यहाँ पे जो भी आप लोग का हेयर होगा हेयर के ऊपर भी आप लोग को अप्लाई कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ, एंड आप लोग क्या कीजिएगा ना मेरी जान, जल्दीबाजी में कोई सा भी काम नहीं किया जाता है, ठीक है ना। अगर फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हैं मेरी जान तो आप लोग को हल्का सा टाइम निकाल करके वीडियो को देखना पड़ेगा एंड सीखना पड़ेगा। इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए जो आप लोग का फेस है फेस, ठीक है, फेस को जूम कर लेंगे, एंड उसके बाद आप लोग अपने फेस के ऊपर भी ऑयल पेंट को अप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना, जहाँ जहाँ पे ब्लैक होगा मेरी जान सिर्फ वहाँ वहाँ पे आप लोग को अप्लाई कर लेना होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ब्रश को अप्लाई करते हैं फेस स्मूथ करते हैं, तो सेम उसी तरीके से आप लोग को ये वाला ब्रश अप्लाई करना है ऑयल पेंट वाला। जैसे कि आप देखिए मैं कितना औसम तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ, सेम इसी तरीके से आप लोग को अप्लाई कर लेना होगा। तो मैं फटाफट अप्लाई कर लिया, एंड आप लोग भी कर लिए होंगे आशा करते हैं मेरी जान, ठीक है, एंड यहाँ पे बच गया तो यहाँ पे अच्छे से आप लोग अप्लाई करना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना सिंपली कॉर्नर में सिंपल ऑप्शन होगा, ठीक है, उस पर क्लिक कर देंगे, एंड जैसे आप लोग उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिएगा फोटो आप लोग का सेव हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आप लोग कॉर्नर पे फिर से क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग का फोटो गैलरी में सेव होगा। तो यहाँ से मैं फॉरवर्ड सेव कर लेता हूँ, एंड आप लोग भी सेव कर लीजिएगा। हाँ तो गाइज हम लोग लेकर के आ चुके हैं फोटो सेव करने बाद आप लोग को शेयर कर लेना होगा लाइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, एंड लेकर के आने के बाद सिंपली एक एक स्टेप फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मजेदार एडिटिंग आप लोग को सिखाने वाला आर्टिक्स भाई। तो सबसे पहले लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, ब्लेस को कर देना होगा -40, एंड वाइट्स को भी आप लोग को -43, एंड शेडो को हल्का से बढ़ा लेना होगा 24, एंड हाईलाइट्स को आप लोग को बढ़ा लेना होगा 30, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे कंट्रास्ट होगा, कंट्रास्ट को बढ़ा लेंगे 32, एंड यहाँ पे एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोजर को आप लोग को कर लेना होगा 0.30 EV, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपली आप लोग इस वाला ऑप्शन पे आ जाइएगा, मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, येलो टोन पे क्लिक करके सेचुरेशन को 100-, ग्रीन टोन पे क्लिक करके इसका भी सेचुरेशन 100-, फिर से इस वाला ऑप्शन पे आकर के इसका भी सेचुरेशन 100-, फिर से इस वाला ऑप्शन पे आकर के इसका भी सेचुरेशन 100-, फिर से इस वाला ऑप्शन पे आकर के इसका भी सेचुरेशन 100-, इस वाला ऑप्शन पे आकर के इसका सेचुरेशन आप लोग 100 प्लस कर देना होगा, लिमनस को भी 100 प्लस कर देना होगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना सिंपली, ये जो
दो टूल्स है, ठीक है ना। ये जो दो टूल्स है इसको मैं अच्छे से यूज करके आप लोग के सामने बताने वाला हूँ, ठीक है। इसको आप लोग क्लिक कर दीजिएगा सेकंड वाला ऑप्शन पे, एंड सेचुरेशन को माइनस कर लीजिएगा मैक्सिमम 51, एलिमनस को आप लोग को बढ़ा लेना होगा तो 32 कर दे रहे हैं, ह्यू कॉल का माइनस कर लीजिएगा 25, एलिमनस को आप लोग को बढ़ा लेना होगा। एंड आप लोग देख सकते हैं फोटो में क्वालिटी, ठीक है ना, पहले कैसा था मेरा फोटो एंड अब किस तरीके से हो चुका है, बिफोर एंड आफ्टर। में फिर से फोकस कीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करना, सिंपली इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा स्नैपसीड मोल एप्लीकेशन के अंदर, तो फटाफट मैं शेयर कर लेता हूँ एंड आप लोग भी कर लीजिएगा। एंड शेयर करना सिंपली आप लोग टूल सेलेक्शन पे आ जाएगा, सेलेक्टिव पे क्लिक कर लीजिएगा एंड जहाँ पे भी लगे आप लोग को ब्लैक है वहाँ पे सिर्फ आप लोग को ब्राइटनेस को अप्लाई कर लेना है। तो मैं यहाँ से फटाफट अप्लाई कर लेता हूँ एंड फिर से इस फोटो को आप लोग को शेयर करना होगा लाइट मोल एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ से मेरा फोटो शेयर हो गया, ये तो पहले वाला फोटो है, तो पहले वाले फोटो को हम लोग नहीं क्लिक करेंगे, जो मैं फिर से स्नैपसीड मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एडिट करके शेयर किया हूँ लाइट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, उस वाले फोटो पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, कलर पे आ जाएगा, मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, सेकंड वाले ऑप्शन पे आकर के इसका सेचुरेशन -43, एलिमनस को आप लोग को बढ़ा लेना होगा 17। इतना करने के बाद फिर से आप लोग इंसोलेशन पे आ जाएगा एंड यहाँ पे इसका ह्यू मैक्सिमम आप लोग को 33, लिमनस को बढ़ा लेना होगा 18। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करने के बाद सिंपली यहाँ से आप लोग को डन करके इंसोलेशन पे आ जाएगा, नो आइडिएशन को 100+, डिटेल्स को भी 100+, कंट्रास्ट को भी 100+ एंड कलर वाइज रिएक्शन को भी आप लोग को 100+ ही रखना है, डिटेल्स को भी 100+, स्मूथनेस को भी 100+। सो मेरे प्यारे दोस्तों इतना करने बाद सिंपली इस फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना होगा डायरेक्ट ऑटोटेक स्केच मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लेकर के आ चुके अपने फोटो को ऑटोटेक स्केच बुक मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो मेरे प्यारे दोस्तों लेकर के आने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ब्रश वाला आइकन पे चले जाना होगा एंड जो मैं ब्रश बताऊंगा भाई यूट्यूब पे कोई आज तक बताया नहीं होगा, उसका सेटिंग जानकर के आप लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि यार आर्टिस्ट भाई कैसे ब्रश को यूज करके फेस को स्मूथ कर लेते हो। तो यहाँ पे आप लोग को एक ब्रश मिल जाएगा, उस वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं समझ में आता है तो स्क्रीन शॉट मार लीजिएगा एंड यहाँ पे देखिए एडजस्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्मूथ आप लोग को क्लिक कर लेना होगा एंड फॉलो को आप लोग को कितना करना है मेरी जान जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ आप लोग को उतना करना होगा 10 एंड स्टैंड को मैक्सिमम आप लोग 18 एंड साइज आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा फोटो के हिसाब से, ठीक है ना मेरी जान। एंड सबसे मेन आप लोगों का कमेंट आता है यार आरडीएक्स भाई जब भी फेस को स्मूथ करने जाते हैं तो हमारे फेस के ऊपर ब्लैक दाग धब्बा क्यों आता है, उसको कैसे हम लोग रिमूव करें यानी मतलब स्मूथ करें। तो आरडीएक्स भाई आपको देखिए आप लोग के सामने बताने वाला आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ब्रश को जैसे आप लोग अप्लाई करेंगे तो जो भी आप लोग के फेस के ऊपर ब्लैक ब्लैक रहेगा दाग धब्बा रहेगा भाई यहाँ पे रिमूव होना स्टार्ट हो गया। जैसे मैं अपने ब्रश को अप्लाई कर रहा हूँ अपने फेस के ऊपर फोटो बना रहा हूँ सेम इसी तरीके से, अगर आप लोग मेरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखे होंगे तो कहीं पे भी आप लोग का एडिटिंग मिस्टेक नहीं होगा, बिल्कुल मेरे जैसा होगा। सो दोस्तों आशा करते हैं मेरी जान वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा ताकि जब भी मैं एडिटिंग डायरेक्टर से वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। एंड आप लोग का मनी मन कमेंट आ रहा होगा कि आरडीएक्स भाई फेस स्मूथ नहीं हो रहा है मेरा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आरडीएक्स भाई अपना फोटो स्मूथ। एंड ये वीडियो समझ में नहीं आता है तो जैसे ये वीडियो खत्म हो जाएगा चार वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, उस वीडियो में आप लोग को प्रीसेट दिया हूँ और जा करके डाउनलोड करके आप लोग एडिटिंग 1 क्लिक।